दोस्तों आज केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक हुई और इस बैठक में एक महत्वपूर्ण योजना को मंजूरी दी गई जिसका नाम है पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। आखिर ये योजना क्या है और सीधे आपके बच्चे की पढ़ाई से इसका सीधा कनेक्शन है क्योंकि अब बच्चे बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा आड़े नहीं आएगा। जी हाँ, सरकार सीधा पढ़ाई के लिए 10-10 लाख रुपए तक की मदद करेगी। कैसे इस स्कीम का फायदा उठा पाएंगे, कौन कौन स्टूडेंट छात्र छात्राएं इस योजना के लिए पात्र होंगे, कैसे इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, सारी A to Z जानकारी आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। सो बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ और ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। दोस्तों आज जो केंद्र सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई उसमें ये कुछ बड़े फैसले लिए गए। FCI को मिलेंगे 10,700 करोड़ रुपए और PM विद्या लक्ष्मी योजना के तहत मेधावी छात्रों को सस्ते में लोन मिल पाएगा। इनकी डिटेल जानकारी तो मैं आपको बताऊंगा, पहले कुछ ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देखिए। इस योजना को जो मंजूरी मिली है इससे मेधावी छात्र उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक का लोन ले सकेंगे। हालांकि इस लोन पर सरकार सीधा फायदा देगी, वो बेनिफिट्स क्या क्या होंगे जानेंगे अपन। इसके अलावा भी FCI यानी कि भारतीय खाद्य निगम को 10,700 करोड़ रुपए मिलेंगे। आज कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन फैसलों की जानकारी दी जिसमें सरकार का प्लान है कि हायर एजुकेशन के लोन पर 75% क्रेडिट गारंटी मिलेगी और इससे देश के 860 संस्थानों के 22 लाख से भी ज्यादा छात्रों को सीधा फायदा होने वाला है। क्योंकि दोस्तों ये जो पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को सरकार ने मंजूरी दी है ना, इस योजना का मुख्य बेनिफिट यानी मुख्य फायदा यही होगा कि स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए अगर कोई बड़े बड़े कोर्सेज करना चाहते हैं IIT JEE वगैरह तो इनके लिए 7.5 लाख रुपए तक के लोन पर भारत सरकार सीधा 75% क्रेडिट गारंटी देगी। मतलब समझ रहे हो, सरकार की गारंटी मिलेगी यानी कि पीएम विद्या लक्ष्मी योजना में आपको बिना कोई गारंटर के सीधा 10 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन मिल जाएगा। यूजुअली यानी जनरली अपन बैंक से लोन लेते हैं तो कोई ना कोई गारंटर होना चाहिए तभी बैंक आपको लोन देता है, राइट। लेकिन ये जो एजुकेशन लोन मिलेगा आपको बैंकों से इसके लिए सरकार खुद आपकी गारंटी देगी। अब इसके लिए कुछ नियम और शर्तें हैं, कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन देखिए आप। इस योजना में 10 लाख रुपए तक के लोन पर ब्याज में 3% की फ्लैट छूट मिलेगी यानी कि बैंक की जो लोन इंटरेस्ट रेट होती है उसमें भी 3% छूट सरकार द्वारा दी जाएगी। किन स्टूडेंट को इस योजना का फायदा मिलेगा, जिन छात्रों के परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए तक है और किसी और सरकारी स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति स्कीम का लाभ अगर आप नहीं ले रहे हैं तो आप पीएम विद्या लक्ष्मी योजना का लाभ ले पाएंगे। इस योजना के लिए सरकार ने फिलहाल 3600 करोड़ रुपए का बजट तय किया है और लक्ष्य है 7 लाख नए छात्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट बैठक के बाद ये ट्वीट भी किया, देख सकते हैं आप, अ बिग बूस्ट टू मेकिंग एजुकेशन मोर एक्सेसिबल। द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम टू सपोर्ट यंगस्टर्स विद क्वालिटी एजुकेशन, यानी देश के युवाओं को बेहतर एजुकेशन मिल सके और उसके लिए पैसे आड़े नहीं आए, पैसों की अड़चन ना आए। यही वजह है, मुख्य उद्देश्य है प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना को कैबिनेट से मंजूरी देने के पीछे। चलिए अब अपन देखते हैं दोस्तों इस योजना का ऑफिशियल पोर्टल क्या है और इसमें आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे, मतलब स्टूडेंट इस योजना का फायदा कैसे ले पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले आपको गूगल में जाना है, आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में, लैपटॉप टैबलेट पीसी में, कहीं पर भी गूगल सर्च में लिखो पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम तो सबसे पहली लिंक मिलेगी आपको pmindia.gov.in। अभी यहां पर 4 घंटे पहले लेटेस्ट न्यूज अपडेट भी आ रहा है, जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे यहां पर आप देख सकते हैं कैबिनेट अप्रूव्ड पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू मेरिटोरियस स्टूडेंट सो दैट द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट डू नॉट प्रिवेंट एनी यूथ ऑफ इंडिया। यहां पर इस योजना के बारे में थोड़ी डिटेल जानकारी भी दी हुई है। राइट साइड के कॉर्नर में आपको एक लैंग्वेज ऑप्शन मिलेगा, यहां पर डिफॉल्ट जानकारी आपको इंग्लिश में मिलेंगी, आप चाहे तो इसे हिंदी में भी कन्वर्ट करके पढ़ सकते हैं। आप अपने ब्राउजर में भी यहां पर ट्रांसलेट ऑप्शन में जाके हिंदी में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी आपको इस योजना के बारे में विस्तृत डिटेल जो है हिंदी में जानने को मिल जाएगी और भी इसका लिंक मैं नीचे अपडेट कर दूंगा तो आप यहां पर चेक कर लीजिएगा। अब देखते हैं आइए इस योजना के बारे में आप अप्लाई कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा गूगल में आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको vidyalakshmi.co.in ये ऑनलाइन पोर्टल मिलेगा। ये इस योजना के लिए पर्टिकुलर इंडिविजुअल पोर्टल बनाया है सरकार ने। सीधा आप इस पोर्टल के होम पेज पर आओगे, डायरेक्टली आपको यहां पर देख सकते हैं अप्लाई नाउ बटन लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना, सिंपली इस बटन पे क्लिक करो। जैसे आप इस बटन पे क्लिक करोगे आपके सामने ये एक नया एप्लीकेशन विंडो खुल जाएगा, यहां पर एक पॉपअप बना हुआ आएगा, इफ यू विश टू अवेल सब्सिडी रिलेटेड एजुकेशन लोन स्कीम देन प्लीज अप्लाई थ्रू jansamarth.in। तो आप जनसमर्थ पोर्टल के माध्यम से भी इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे आप इस jansamarth.in पोर्टल के होम पेज पर आओगे यहां पर आपको अलग अलग कार्ड्स मिलेंगे, ई किसान उपज निधि, एग्री लोन, किसान क्रेडिट कार्ड, रिन्यूएबल एनर्जी, बिजनेस एक्टिविटी लोन। तो यहां दोस्तों लास्ट में नीचे नीचे आपको दिखेगा एजुकेशन लोन, यहां आप चेक अवेलेबिलिटी कर सकते हैं, मतलब आपको लोन मिल पाएगा या नहीं इसका क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। ये सिंपली आपको डिटेल सबमिट करनी है, आप इंडिया में रहते हैं, आपकी इनकम क्या है, ओबीसी एससी एसटी जनरल किस कास्ट में आते हो, आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो, डॉक्टरेट करना चाहते हो, कौन सी डिग्री है, आप अभी जॉब करते हो या नहीं करते हो, ये डिटेल फिल करने के बाद आपको ये कैलकुलेशन मिल जाएगी कि आपको कितना लोन मिल पाएगा, ठीक है। और बाकी आप vidyalakshmi.co.in इस पोर्टल के होम पेज के माध्यम से भी अकाउंट क्रिएट करके विद्या लक्ष्मी योजना के लिए डायरेक्टली यहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। या आपको अपना नाम लिखना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड और यहां पर ये कैप्चा कोड इंटर करना है। ये डालने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना है। अगर आप ऑलरेडी इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं तो लॉगिन कर लीजिए और लॉगिन करने के बाद आप इस अकाउंट के अंदर जाकर के एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई
कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी अगर आपको कुछ मदद चाहिए तो यहाँ पर इस पोर्टल के नीचे कॉन्टेक्ट डिटेल भी दी हुई है, ये ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, आप इन दोनों के जरिए इस योजना से संबंधित कोई भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों पीएम विद्यालक्ष्मी स्कीम से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको जरूर जानने मिली होगी। और भी अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तब कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछिएगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और आप कहोगे तो मैं इसका डिटेल्ड ट्यूटोरियल वीडियो भी बना दूंगा एक स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करके, तो उससे आप देख लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं तो नीचे यस डीएलएस भाई कमेंट कर दीजिएगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें, महत्वपूर्ण समाचार, जानकारियां देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।